Hello student, how are you? Hope you all are doing well and safe at your home. So, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 6 भेड़िया आया. ओके, यह एक कविता है. ओके, भेड़िया आया. तो आज हम कविता को पढ़ते हैं. ओके, अच्छे से मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा. ओके, एक गड़रिया भेड़े लेकर जाता था जंगल में रोज, गाने गाकर उछल कूद कर वन में खूब मनाता मौज. एक गड़रिया भेड़े लेकर जाता था जंगल में रोज, गाने गाकर उछल कूद कर वन में खूब मनाता मौज. एक दिन मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया है आया. एक दिन मस्ती में आकर वह ऐसे ही चिल्लाया, दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया है आया. सुनकर दौड़े लाठी लेकर, सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, लेकिन वहाँ भेड़िया का तो कहीं नहीं था नाम निशान. सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों से मजदूर किसान, लेकिन वहाँ भेड़िए का तो कहीं नहीं था नाम निशान. सबको आया देख गड़रिया, हंसकर बोला ऐसे ही नहीं भेड़िया कोई आया, मैं तो चिल्लाया वैसे ही. सबको आया देख गड़रिया, हंसकर बोला ऐसे ही नहीं भेड़िया कोई आया, मैं तो चिल्लाया वैसे ही. ओके, सो नाउ रिपीट विथ मी. लौट पड़े खेतों में वे सब बेचारे मन को मारे, धूर्त गड़रिये पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे. लौट पड़े खेतों पर वे सब बेचारे मन को मारे, धूर्त गड़रिये पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे. कुछ ही दिन बीते कि भेड़िया एक दिन सचमुच आया, देख झपटते भेड़ों पर भयभीत गड़रिया चिल्लाया. कुछ ही दिन बीते कि भेड़िया एक दिन सचमुच आया, देख झपटते भेड़ों पर भयभीत गड़रिया चिल्लाया. ओके, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया आया रे, ए मेरी सारी भेड़ों का यह करता हाय सफाया रे. दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का यह करता हाय सफाया रे. लेकिन कोई न आया पास, लेकिन कोई पास न आया, सभी खेत पर मौन रहे, भला गड़रिये के सम्मुख फिर भोंदू बनना कौन सहे. लेकिन कोई न पास न आया, लेकिन कोई पास न आया, सभी खेत पर मौन रहे, भला गड़रिये के सम्मुख फिर भोंदू बनना कौन सहे. और भेड़िया खूब मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का अच्छा फल मिला गड़रिये को इस बार. के और भेड़िया खूब मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का अच्छा फल मिला गड़रिये को इस बार. ओके, तो इस प्रकार से ये कविता जो है वह भेड़िया आया है ना, इस कविता का जैसा कि नाम ही है कि भेड़िया आया, जो एक गड़रिया रहता है ना. गड़रिया किसे बोलते हैं, हम भेड़ चराने वाले को, है ना, जो भेड़ चराता है उसे हम क्या कहते हैं, गड़रिया कहते हैं ना. तो जो एक गड़रिया था वह क्या करता था, भेड़ों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था, जंगल में. उसी की यह कहाँ कविता है, उसी के बारे में कविता दी हुई है कि वह बहुत ही उछल कूद कर भेड़ियों को चराता था और ऐसे ही वह झूठ बोलता था, तो उसकी सजा उसे मिली. तो इस कविता के अर्थ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, तब तक के लिए आपका होमवर्क है, आप फिर से इस कविता को अच्छे से रीड कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा. ओके, इस कविता जो दी हुई है बहुत ही अच्छी कविता है ये, भेड़िया आया. आप इस कविता को अच्छे से लर्न करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके सुनाओ यार होमवर्क. ओके, अच्छे से आप इस कविता को अच्छे से सुर से गाते हुए अच्छे से लर्न करेंगे. ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.